नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज और अभी मैं राजभवन के पास पहुँची हूँ। आइए, अभी हमारे साथ एक मौजूद हैं, वो धरना पर बैठे हैं दो तीन दिनों से। ये अकेले धरना पर बैठे हैं, आप विकलांग हैं और आप अकेले धरना पर क्यों बैठे हैं? मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में वर्ग अध्यापन का कार्य कर रहा था। इसके बदले में मुझे किसी तरह का कोई राशि नहीं मिल रहा था। मैंने महामहिम से इस संबंध में भेंट किया था, उनसे शिकायत किया था और उन्होंने आदेश दिए कि इसे पैसा दिया जाए, लेकिन उनसे शिकायत करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे वर्गाध्यापन के कार्य से ही निकाल दिया। मैं दो बार नेट क्वालिफाई किया हूँ और जब पहली बार मैंने नेट क्वालिफाई किया तो वहाँ के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा और विभागाध्यक्ष द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और मुझे पढ़ाने को बोला गया। मैं पढ़ाना शुरू किया और इसके बदले में मुझे कोई राशि नहीं मिल रहा था। तब मैंने महामहिम से शिकायत किया और उनसे शिकायत करने के बाद मुझे हटा दिया गया। तब मैंने तीन बार अनशन भी किया दुमका में, लेकिन उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। तब मैं रांची आया हूँ 2 मई को और आवेदन दिया 2 मई को और 3 मई से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ धरना पर। और मेरा मांग है कि मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। मैं 70% विकलांग हूँ और महामहिम से मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि मुझे न्याय दिया जाए, मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। उन्होंने आदेश तो दिए लेकिन उनका आदेश का विश्वविद्यालय पालन नहीं कर रहे हैं। क्या कदम उठाइएगा आगे? आगे अभी मेरा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मुझे विश्वास है कि मेरा मांग को मान लिया जाएगा और मैं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा हूँ। जब तक मेरा मांग को नहीं माना जाएगा मैं तब तक बैठा रहूँगा। तो जैसा कि आपने इनका बात सुना, इनके दुख है और जो ये वहाँ से आए हैं, जहाँ से भी ये आए हैं सिद्धू कानू मुर्मू से, तो वहाँ पर इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है और महामहिम का ये ऑर्डर था कि इन्हें पैसा दिया जाए, लेकिन जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इनका जो भी है पैसा इन्हें नहीं मिल रहा है। ये इतने दिन तक पढ़ाए पर उन्हें अभी तक पैसा नहीं दिया जा रहा है। अब ये तो देखने वाली बात है कि आगे वो विश्वविद्यालय क्या करती है या सरकार इनके लिए क्या करती है, क्योंकि ये विकलांग है और ये अकेले इस जगह पे धरना पे बैठ गए हैं और ये काफ़ी बार अनशन पे भी बैठे हैं, इनका कहना है। आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।